अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज मैं दो बहुत ही अच्छे होम रेमेडीज शेयर करूंगी जिसको इस्तेमाल करने से जो गैर जरूरी बाल आए हैं चेहरे पर, उसको रिमूव करना अब बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो पहले टिप आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। वो है चीनी। चीनी हेयर को रिमूव करने में हेल्प करता है और इसके साथ लीमू का रस शामिल करना है और आखिर में अब बेसन शामिल करना है और इस हेयर रिमूवर का पैक बनाना है। इसको बनाने के लिए बाउल में 2 खाने की चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच बेसन और आखिर में लीमू का रस शामिल कीजिए। इतना लीमू का रस डालना है कि पेस्ट बन जाए, लेकिन उस वक्त तक रखना है कि चीनी अच्छे से पिघल जाए। पिघल जाने के बाद गाढ़ा पैक बन जाए, आपने इसे चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब सही ड्राई हो जाए तब इसको हटाना है। अब इसको हटाने का तरीका, आप रुई को इस पैक में भिगो के अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ड्राई होने दीजिए। अब इस रिमूव के लिए कॉटन लीजिए और ऊपर लगा दीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ हटा दीजिए, तो इससे आपके जो गैर जरूरी बाल है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसका इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। आप एक बॉल लीजिए, उसमें एक अंडे को तोड़कर सिर्फ अंडे की सफेदी लीजिए। अब इसमें 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चेहरे पर अप्लाई कीजिए। अब रुई को इस पैक में भिगो के अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ड्राई होने दीजिए। अब इसको रिमूव करने के लिए उसी तरीके का आपने करना है जो पहले टिप पे किया था। अब आप इसको रिमूव करने के लिए कॉटन लीजिए और ऊपर लगा दीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ हटा दीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप हटाएंगे तो उससे बाल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।